खैरियत से होंगे। तो असल में बात यह है कि वीडियोस मेरी नहीं आ रही थी। रीज़न ये था कि मेरा चैनल हैक कर लिया गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मैंने काफ़ी टाइम पे यूट्यूब को ईमेल्स वगैरह भेजी तो रिस्पांस नहीं आया। बहरहाल अब मैं एक नया चैनल बना चुका हूँ तो उस पे दोबारा से वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो आप सब इससे ज्वाइन हो जाएं, अच्छी बात है। पूरा कोर्स कंप्लीट इसी पे होगा इंशाल्लाह। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। बाकी की जो वीडियोस हैं मैं स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर दूंगा तमाम। तो आज हमारी 7th क्लास हम स्टार्ट करेंगे। 7th क्लास के अंदर हम वो मोटी मोटी चीज़ें देखेंगे जो हमें नेसेसरी होती हैं वर्ड के अंदर, क्योंकि रेफरेंस के अंदर अभी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। इनको इस्तेमाल अभी तक तो इस्तेमाल वैसे हुई नहीं है मैंने जब से इसको यूज़ करना सीखा है। मेलिंग का एक ऑप्शन अच्छा है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ये सिखाता हूँ कि मेलिंग असल में होता क्या है। हम किसी बैंक में या किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और एक लेटर डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेटर हम रेंट कमांड से डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये एक लेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इस लेटर को मुझे 7-8 लोगों के नाम से प्रिंट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ डाल दिया नेम, यहाँ डाल दिया उसकी डेजिग्नेशन और यहाँ पे उसका डाल दिया डिपार्ट, ठीक है। अब अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे सबको ये ईमेल भेजना है, तो अब मुझे 100 के 100 का नाम लिख लिख के बार बार दोबारा तो नहीं करना। मैं दोबारा से उनकी लिस्ट बनाने के लिए एक एक का नाम लिख के प्रिंट आउट करूँगा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, आपने एक लेटर बनाया, सेलेक्ट एंड रिसीव लिखा हुआ, इस पर गए आप, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप एक नई लिस्ट बना सकते हो, और अगर आप आपके पास एक्सेल पे डेटा है तो आप एक्सेल का डेटा भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम एक नई लिस्ट बनाते हैं। नई लिस्ट के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, नेम फाइल तमाम चीज़ें। अब हमें जो 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्ट। तो आप इसके अंदर से कस्टमाइज कॉलम में जाके अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टाइटल का नेम रख दिया नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम का नेम मैंने रख दिया डेजिग्नेशन, उसके बाद लास्ट नेम का नेम मैंने रख दिया डिपार्ट, ठीक है। बाकी सारी फील्ड्स हमारे काम की नहीं है तो हम उनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से नीचे से करना शुरू करते हैं, ठीक है। इससे ये होगा, आपकी जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो जाएगी और सिर्फ 3 ही डेटा आपको पुट करने होंगे, उसके अलावा आपको डेटा पुट नहीं करना, ठीक है। ओके किया आपने, अब आपके पास 3 आ गई, नेम डेजिग्नेशन डिपार्ट। अब फॉर एग्जांपल पहला नेम मैंने लिख दिया यासिर, डेजिग्नेशन ए, डिपार्ट जेड, ठीक है। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री के अंदर मैंने लिख लिया सलमान, डेजिग्नेशन बी, डिपार्ट वाई, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्रीज करके करने के बाद इसको ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे ये पूछेगा भाई ये लिस्ट आपने कहाँ सेव करवानी है। तो आप इस लिस्ट को कहीं पे भी अपने किसी भी ड्राइव में सेव करवा सकते हैं। लाइक मैंने कहा ये है मेरी लेटर लिस्ट, ठीक है। इसको करके आपके सामने कुछ फील्ड्स अपेयर हो जाएंगी। तो इसमें जो हमारे लिए जो फील्ड यूज़ में आएगी वो है इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। इसमें हमने इस पर क्लिक किया नेम, अब मुझे नेम के आगे नेम रखना है, मैंने नेम के आगे इसको रखा और नेम ऐड कर दिया, ऐसे डेजिग्नेशन के आगे रखा और डेजिग्नेशन, ऐसे डिपार्ट के आगे रखा और डिपार्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ नेम डेजिग्नेशन और डिपार्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो इसमें आप देखो यासिर ए जेड लिखा हुआ आ गया जो मैंने एंट्री की थी, और सलमान बी जेड बी वाई लिखा हुआ आ गया। तो जितनी भी आप एंट्रीज करोगे वो तमाम एक ही लेटर आपके लिए बन जाएगा, तमाम स्टाफ के लिए। आपको बार बार उसको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप चाहते हो कि मुझे ये अलग अलग नज़र आए कि किस किस का लेटर बनाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन है। यहाँ पे आप करोगे एडिट इंडिविजुअल, जैसे ही आप एडिट इंडिविजुअल करोगे ये पूछेगा तमाम पेजेस को करना है, आपने कहा ओके। अब आप देख सकते हो एक यासिर के नाम से लेटर बन गया और एक सलमान के नाम से बन गया। अब आप देख सकते हो कि लेटर तो एक ही था लेकिन उसकी डुप्लीकेट्स बन गए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इसको मेल मर्ज के ऊपर इस्तेमाल किया
किया था। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्टाफ का एक ही लेटर बना के प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, मेल मैच का ऑप्शन, इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीव्यू करोगे तो रिजल्ट शो होगा, प्रीव्यू नहीं करोगे तो नहीं होगा। उसके अलावा जब आप यहाँ से इसको इंडिविजुअल करोगे तो इंडिविजुअली आपको शो हो जाएगा। अदरवाइज आप प्रिंट भी कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फील्ड है रिव्यू। रिव्यू के अंदर स्पेलिंग, ग्रामर, फॉर एग्जाम्पल हम गलतियाँ करते हैं जब लिखते हुए, तो हमारे पास एक रेड लाइन आती है, अक्सर आपने नोट किया होगा, रेड लाइन शो हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है रेड लाइन के अंदर, कि हमें एक एक के ऊपर राइट क्लिक करना होता है, उसको सही करना होता है। हमने इसे वीडियो पर राइट क्लिक किया, अभी मुझे बता रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो इस चीज़ को आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू सही कर सकते हो। आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर भी क्लिक किया, यहाँ पर आपको ये बता रहे कि भाई इसकी जगह आप क्या लिखना चाहते हो। वीडियो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ ठीक है, नहीं तो मैं इग्नोर भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन हम चेंज करेंगे। इसके बदले यू लिखना चाहते हो, सही की आइड लिखना चाहते हो, क्या चीज़, तो इसको हम इग्नोर करते हैं कि हम ये नहीं लिखना चाहते, ठीक है। ऑनलाइन तो एक ही दफ़ा में आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पर सब शो होने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पेलिंग ग्रामर और स्पेलिंग ग्रामर को भी चेक कर सकते हो। उसके बाद ट्रैक चेंज और ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपको सिखाऊंगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर। इन डॉक्यूमेंट के अंदर इधर ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ अलाइन दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, आप इसे क्लिक कर दें, नो चेंज, जाहिर सी बात है हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, हम इस पर प्रोटेक्शन लगाते हैं। यहाँ पे आपने पासवर्ड एड करना है, चाहो तो 1-1 कर सकते हो, 2-2 जो चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर कोई इसके अंदर लिखना चाहेगा तो वो लिख नहीं सकता, अगर कोई एंट्री करना चाहेगा तो वो एंट्री नहीं कर सकता। अब वो तभी करेगा जब आप यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन करोगे और सेम पासवर्ड जब इंटर करोगे, तो आप इसमें कोई भी काम कर सकता है। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं, आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये हम कर सकते हैं। नाउ उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ट्रैक चेंज वगैरह पे भी क्लिक करके हम इसको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करेंगे, 1 और 1 जो पासवर्ड है वही आप लगाओगे, ठीक है। ओके किया ना। अब अगर इसमें किसी ने चेंजिंग की तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी, और किसी ने डिलीट किया तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जैसे स्टॉप करोगे, आपने सेम पासवर्ड लगाया, अब इसको हटाएंगे कैसे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो। देखो राइट क्लिक किया, यहाँ पे रिजेक्ट मतलब कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, और एक्सेप्ट जो भी चेंजेस हुए हैं वो हो जाएं। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये सारी चेंजेस ख़त्म हो गई, जो एक्स्ट्रा लिखा गया था उसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसके अंदर आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यू है। व्यू के अंदर आपके पास लेआउट्स होती हैं। नॉर्मली लेआउट जो हम प्रिंट लेआउट काम कर रहे होते हैं, प्रिंट लेआउट ही होती है, तो प्रिंट लेआउट भी रख के आप काम कीजिएगा। बाकी रूलर्स हैं, गाइड्स है, गाइड्स आ जाती है आपको पेज पे, गाइड करती है कहाँ से कहाँ तक आप लिख सकते हो। नेविगेशन पैनल साइड में आ जाता है कि आपके पास कितनी हेडिंग्स काम कर रही हैं, और जूम पेज को कितना आप जूम कर सकते हो, यहाँ से आपको जूम एरिया बता दिया जाता है। 100% जूम नॉर्मल हो गया, पेज 1 अगर 2 पेज हैं तो आमने बराबर बराबर 2 पेजेस आ जाते हैं, ये देखें, ठीक है। पेज व्यू नॉर्मल पेज व्यू हो जाती है। न्यू विंडो, इसी विंडो की एक और कॉपी निकल आएगी, यहाँ पे आप जो भी चीज़ करोगे वो नीचे वाली विंडो पे भी काम करेगा, ठीक है। अरेंज ऑल, यानी कि अगर आपके पास अगर 2 फाइल्स खुली हुई हैं तो आप उसको साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं। बाकी इतना खास नहीं है। मैक्रोज है, मैक्रोज इंशाल्लाह एक्सेल पे सही मैं सिखाऊंगा कि एक्सेल पे मैक्रोज इस्तेमाल कैसे होता है। बाकी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा। अब इसके बाद हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पावर पॉइंट ज़्यादा क्लासेस का नहीं है, पावर पॉइंट के बाद फिर एक्सेल होगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। खुदा हाफिज़।